हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह का टाइम है, बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं और बाहर का धोप का सारा लगभग काम निपटा दिया है। बाहर की क्लीनिंग कर दिया है, चूल्हा साफ कर दिया है, सब्जी बनाकर रख दिया है दीदी ने। रोटी सेकेंगे दोपहर को जब सब खाएंगे। और उधर दूध आरी में रख दिया है मैंने। माँ ने दिया है एक टास्क, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो गर्म कपड़े थोड़े 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 रखने पड़ रहे हैं। कुछ तो हमने रख दिए रिजाई वगैरह, लेकिन जो ये कंबल थे ना, सिंगल बेड के कंबल थे, ये हल्के कंबल थे, तो इन्हें ओढ़ लेते थे। अब तक रात को ठंड होती थी, जैसे बारिश हुई तो उसके बाद ठंड बढ़ गई थी। तो आज माँ बोल रही थी कि ये भी धुल कर रखे जाने चाह, नहीं तो इनमें धूल भर रही और ओढ़ता इन्हें कोई है नहीं। और बाहर चूहे वगैरह भी काट देते हैं तो चूहों का भी डर रहता है। तो मैं बोल रही, माँ तो बोल रही थी चलो धोबी का धोवा देंगे, मगर कहाँ धोबी को देवेंगे माँ, हम भी तो ठंडी है, हम अपने आप ही नहीं धो लेंगे क्या। तो आज माँ ने मुझे टास्क दिया है कि ये दोनों कंबल धो के सगवाने हैं, धीरे धीरे तरेंगे, मतलब एक साथ बर्डन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। कपड़े मैंने उसमें डाल दिया है मशीन में, एक बार के तो निकल गए और दूसरी बार के डाल लें, फिर इन्हें एक एक करके देखती हूँ मशीन में धुलेंगे या हाथ से धुलेंगे। तो चलो पहले लगाती हूँ पोछा, झाड़ू लगा दिया मैंने और पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ। पोछा लगा के फिर कपड़े धोएंगे और तब तक हमारे बच्चे भी आ जाएंगे, जब तक हमारे कपड़े धुलेंगे और खाना का भी टाइम हो जाएगा। तो लगते हैं अपने काम पे। तो जी, पूजा वाले कमरे में तो मैं सुबह ही क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि पूजा होती है ना सुबह ही, कान्हा जी को नहला धुला कर और दिया लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आधे बरामदे में और पूजा वाले कमरे में सुबह ही पोछा लगा के साफ कर देती हूँ। अब बाकी के बच्चे एरिए को ना, बाकी के बच्चे एरिए में अब झाड़ू लगाई या संगवाया के बच्चे चले गए और अब लगाएंगे पोछा। तो जी, हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, एक धुलकर फैला दिया है वहाँ से और दूसरा नहीं छोड़ दिया है। वैसे तो ये उठाई नहीं जा रहा, आता बहुत भारी है। अरे तो धूप इतनी तेज है, शाम तक सूख जाएंगे। देखिए पानी नहीं छोड़ रहे इस तरीके से, इसका फिर इसे फैला देंगे। ठंडे हो रहे थे, धुलकर साफ हो गए है और थोड़ी देर इस पर रख देंगे, थोड़ा बहुत पानी चढ़ जाएगा। और बाकी अब लाइट चली गई है, वैसे ड्रायर में आने के लिए फिर ड्रायर में सुखा देती, ड्रायर छोटा है हमारी मशीन का, धुल तो गए मशीन में, हाथ तो नहीं धुलने पड़े। फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत घेर का काम तो निपटा ही रहे, नहीं उभरवा रहा था मैं तो, और दोपहरी में परेशान कर रही मुझे, वैसे टाइम भी कम है क्योंकि ड्यूटी जाना है। तो ड्यूटी जाने से पहले मैं सोच रहा थोड़ा सा घर का काम निपटा दूं, और घर का काम निपटाने में कई सारे काम है। एक तो कान्हा जी के कपड़े लेके आने बाजार से, और चूँकि और कपड़े गहरी ख़राब हो गए, और चूँकि बच्चे घूम फिर के आ गए तो उनके स्कूल भी खुल गए, और स्कूल खुल गए तो उन्हें किताबों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बच्चों का कोर्स भी लेके आना आरुसी का, और बैग वैग कोई से का, और उसके बैग की चैन ख़राब हो रही, इसकी तो चैन लगवा के लाओगे, आरुसी का तो फट ही गया बैग, उसका नया बैग लेके आओगे, आरुसी का तो लगभग फट ही गया, तो दूसरा लेके आओगे, और नंदिनी का भी बैग लाना क्योंकि नंदिनी भी इस साल जाना शुरू करेगी। तो फिर दोपहर में सुबह काम कर रहा था घेर में, शाम को फिर करना, दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैडम के साथ जाके बाजार में थोड़ा सा कुछ सामान खरीदवा लाऊँ इसका, और कल को जाना है ड्यूटी। तो खैर चलिए, देखो मैंने तो भाई पुराने कपड़े ही पहन लिए, देखो ना बस सूट पहना आज तो, चलो बढ़िया लग रहा। अच्छा बैग ले लो अपना और पैसे ले लिए? हाँ जी, पैसे तो आप हो नहीं। अरे वैसे तो चाहेंगे ही, दे तो तुम्हें रखे, चलो तो फिर चलो सबसे पहले कॉटन के दुपट्टे लेने हैं। प्रीति को दुपट्टे की दुकान पर आए थे, देखिए क्या छोटे से लग रहे हैं, तो और बड़े से साइज के देख लो, घर में डिलीवरी का मतलब टॉप रहेगा। तो दुपट्टे देख लो स्टॉल है, तो देखो उठा लो तुम अपना, उठाओ करो नोन से बड़े बता रहे हैं, देखो बोल रहे कितने कैसे कलर भी बढ़िया लग रहा है। तो पचास रुपये बढ़िया लग रहा, कलर तो मैच कर रहा है बिल्कुल सूट पे, इससे बढ़िया लग रहा। देख लो इसी साइज के ले लो तुम, अम्मा जी की ड्रेस लेनी है यहाँ से लेते हैं हम लोग।
बढ़िया लग रही ठीक है साइज तो 5 नंबर के सर 6 के गर्मियों के ज्यादा के इधर कॉटन है कॉटन वाले इसी है ये वाले ये हो जाएगा खराब बिल्कुल खराब नहीं होगा बुकरम नहीं है यार कंडी है ठीक लग रहा है ये किस रेट में लगा देंगे ठीक है सिलने वाले की दुकान पे आ गए हम तो बैग टंग रहे बहुत सारे यहाँ सिल सिल का टांग रखे इन्होंने कई अभी सिलाई मशीन है अंदर लग रही है रीति ने दो बैग छांट लिए एक तो ये लिया छोटे साइज का कुछ और ये कुछ बड़ा सा है ये तो अरे और उसको दे नंदिनी का मैं तो सोच रहा और उसका भी नया ही ले लो नंदिनी को पुराना दे देंगे अगर ऐसा हुआ तो और उसको नंदिनी को आरुषि वाला वो आरुषि वाला दे देंगे क्योंकि आरुषि वाला कलर दोनों बढ़िया लगे ये वाले ले लिए हमने कलर थे बहुत सारे यहाँ पे बैग के हाँ उसकी चैन खराब हो रही थी चैन दी हमने कि भैया देखो आरुषि वाले बैग की चैन लगा रहे और आरुषि का बैग जल्दी खराब हो गया और उसी गंदा करके लाया फिर वो धोया धो धो के खराब हो जाए धो के लिए कैपरी लेनी थी तो वर्धमान वाले जो हैं वर्धमान गारमेंट्स वाले इनके यहाँ आए उड़ाने में हम लोग कैपरी देख रहे पसंद करो कौन कौन सी ठीक है लेंथ सी ही मुझे कम लग रही है कलर एक तो बढ़िया लग रहा ब्लू वाला और दूसरा ये भी ठीक लग रहा देख लो कैसा अच्छा किला देख लो गर्मी ना लगे इनमें ऐसा हो कपड़ा दोपहर में काम निपटा लाए बाजार का भी और सुबह काम करा था घेर में हाँ फिर घेर में चला जाऊंगा हाँ क्या क्या हम खरीद लाए वो भी दिखा रहे चलो आपको बैग वैग ले आए और बच्चों की दो क्या ले शर्ट ले आए चलो दिखा रहा लो और उसने तो केड़े भी खा लिया बच्चों के लिए क्या लाए थे एक तो केड़े लाए थे बच्चों के लिए और अंगूर लाए थे फल लाए थे और क्या क्या लाए हम देखो बैग वहाँ भी दिखाया था हमने एक तो यो है और एक ही है दो बैग लाए बच्चों के और आरुष का ये बैग था इसमें जो पिछले वाली चैन है ना वो खराब हो रही थी रिपेयर करवा लाए तो चैन लगवा लाए उसमें और दो लगवा दिए ये तो सही है बेटा अच्छा इसका टूट रहा है कुंडा सा ठीक है ओके लगवा देंगे इसका लो भाई पानी पी लो चिंकी पानी पी लो भाई बच्चों का सिलेबस लाए पैक है किताबें अभी तो ये पॉलीथीन से कवर है एक आरुष का और एक आरुषि का ये होगी ये पढ़ने की किताबें हैं इनकी डोजियर हैं दोनों की ये नोटबुक है दो लाए शर्ट देखो हाँ जी बताओ अब कला देंगे दो शर्ट लाए दोनों की यूनिफॉर्म वाली एक तो ज्यादा गंदी पापा जी कहा करो ठीक है कान्हा जी के लाए यहाँ कन्नों के कन्नों की शर्ट लाए गंदी करें ज्यादा ये क्योंकि सर्दियों में तो स्वेटर गंदे हो गए थे अब शर्ट शर्ट पहनने हैं तो शर्ट ले आए दोनों की और क्या लाए गई हो और लाए गुड्डू की कैपरी लाए जो आगे इसके सही क्या कहते आए हम अगर साइज छोटा रहा तो वही वापस कर लियो ज्यादा लेंथ की तो थी नहीं गुड्डू देखिए वो पापा जी चुक्कर चुक्कर पहले वाली चुक्कर पहले वाली ड्रेस आई थी देखिए घर पहनने को तो ठीक है इतनी लेंथ की भी है देख ले पहन के वो बस सही आओगी तो ये खाना जी की खाना जी की वहाँ भी दिखाई थी दुकान पे भी हमने तीन तो ये कॉटन के लाइट ड्रेस और एक ये त्यौहार फंक्शन पे किसी दिन पहना नहीं हो खाना जी को तो ये उनकी ड्रेस है ये कानों की बाली है उनकी और बाकी तो सामान उनके पास है बाकी तो और क्या बस यही तो था और कुछ है इसमें बैग बताई दिए एक बैग वो है एक वो है कितना पूरी दोपहर वहीं अपने लिए क्या लाए क्लेचर हैं ये दो तो क्लेचर छोटे हैं ना हल्के हैं तो बड़े क्लेचर चलते हैं एक क्लेचर और एक लिपस्टिक ली छोटे ज़्यादा नहीं सेलेक्ट कर पाए दो ही लाए हम बड़े साइज के भीड़ ज़्यादा हो रही थी अभी बाजार में बहुत भीड़ थी तो देख नहीं पाए फिलहाल दो ही लाए दुपट्टे बाकी ही
में तैयारी के लिए डालते हैं, मगर तो खड़ी हो रखी है मैंने, खड़ी हो